हेलो गाइस, आसाम से मैं पिनाक आप सबको स्वागत करता हूँ मोबाइल लुक यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ई पास का स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो। आपको जो कोई रेफरेंस नंबर का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी टोकन आईडी का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना कोई रेफरेंस नंबर टोकन आईडी का जो आप ई पास का स्टेटस चेक कर सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें जो मैंने बताया था कैसे जो आप बिना रेफरेंस नंबर के ई पास का स्टेटस चेक कर सकते हो। लेकिन उसमें जो दूसरा जो ऑप्शन है वो फ़ोन नंबर का था। आप जो है फ़ोन नंबर देके आपका फ़ोन नंबर में एक ओटीपी आता है, और ओटीपी देने के बाद आप जो है ई पास का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते थे। लेकिन वो जो ऑप्शन है वो हर एक स्टेट में नहीं दिया है, इसलिए जो लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र का साइट में ये ऑप्शन नहीं है, हम जो है टोकन आईडी भूल चुके हैं और कैसे हम जो उसका जो चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको उसका पूरा सोल्यूशन बता दिया है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो और किसी भी स्टेट में अगर आप ई पास के लिए अप्लाई किए हो तो इस ऑप्शन में, तो इसमें जो आपको ई पास दिख जाएगा आसानी से, और आप जो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप जो इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर जाओगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके उस कॉल में करो, ताकि जब मैं वीडियो अपलोडूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लगभग जो 13 करोड़ लोग जो है आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप भी आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ कर रहे हो तो आप जो है अपना ई पास जो है आसानी से इस ऐप में देख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने आरोग्य सेतु ऐप में कौन सा नंबर से रजिस्टर किया है उसको ओपन करते वक्त उसको चेक कर लेना है। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो आप देख रहे हो थ्री डॉट उसमें क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको ऊपर में जो आपका नाम देखने को मिल जाएगा और नंबर भी देखने को मिल जाएगा, जो नंबर इसमें आप पहले दिए थे। तो मेन बात यह है कि आपको बहुत चेक कर लेना है जो आपने तुम्हें कौन सा नंबर दिया है और आपका जो ई पास में जब अप्लाई किया था उसमें कौन सा नंबर दिया था, दोनों नंबर को मिला लेना है। अगर दोनों नंबर सेम है तो सब कुछ ठीक है, आपको क्या करना है सीधा ई पास में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका ई पास अप्रूव हो चुका है तो इसमें देखने को मिल जाएगा, शो अप हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और अगर आप आरोग्य सेतु ऐप में कोई दूसरा नंबर से रजिस्टर कर लिया और ई पास में अप्लाई करते बाद कोई दूसरा नंबर है तो उसको कैसे चेंज करना है उसके बारे में बताएंगे। और अगर आप आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ भी नहीं करते हो तो कैसे इसको रजिस्टर करना है, कैसे आपको इसमें नंबर देना है, सब कुछ बताएंगे। आइए, तो अगर आप सिर्फ नंबर को चेंज करना चाहते हो तो आपको कहना है फ़ोन का मेन मेनू में जाना है, उधर में जो आपको आरोग्य सेतु ऐप को ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद आपको इधर में लॉन्ग प्रेस करना है उसके ऊपर, और उसके बाद आपको क्या करना है ऐप इन्फो में जाना है। तो उसके बाद आप इधर में देख लो जो स्टोरेज एसेज लिखा है तो उसमें क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है क्लियर डाटा में क्लिक कर देना है। और जो लोग आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ नहीं करते हैं वो जो है प्ले स्टोर में आके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इधर में पहुँच जाओगे और उसको जो आप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद इधर में आपको सबसे पहले लैंग्वेज चूज कर लेना है, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छा लगे वो चूज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट में फिर से क्लिक करना है, फिर से उसके बाद आपको क्या करना है रजिस्टर नाउ में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है आई एग्री में क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो ब्लूटूथ का परमिशन देना पड़ेगा और लोकेशन का परमिशन देना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है सिर्फ अलाउ बटन में ही क्लिक करके जाना है। तो उसके बाद आप इधर में देख सकते हो जो इधर में नया फ़ोन नंबर लिखने के लिए आ गया है, तो आप जिस नंबर से ई पास के लिए अप्लाई किया हो पहले वही नंबर आपको इधर में दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना है सबमिट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको वही नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको जब में देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, वो आपको देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है आई एग्री में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो थ्रेड में उसमें क्लिक कर सकते हो। करने के बाद इधर में जो आपको फोन नंबर देखने को मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है फिर से ई पास सेक्शन में जाना है और उधर में आपको देख कर लेना है कि आपका ई पास इधर में दिखता है कि नहीं। अगर आपका ई पास अप्रूव हो चुका है तो इधर में आसानी से शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको जो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई भी रेफरेंस नंबर, कोई भी टोकन आईडी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो इधर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको देख भी सकते हो। तो कैसे आपको इस ऐप में जो सेल्फ एसेस टेस्ट करना है और भी बहुत कुछ है इस ऐप में जिसका जो आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, तो उसको ट्राई करके देखिए, आपका प्रॉब्लम जो है ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।